और अब बात डीएनए में उस घटना की जिस घटना के बाद देश भर में रोष है और अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने के लिए नजरें टिकी हैं सीबीआई के ऊपर। बंगाल मामले को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की है उसके हिसाब से देखा जाए तो 8 और 9 अगस्त की रात को आरजी के मेडिकल कॉलेज में एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हुए। ये बात हैरान करने वाली है लेकिन सच्चाई यही है। उस रात जूनियर डॉक्टर की हत्या के साथ साथ उसको इंसाफ दिलाने के सारे रास्ते बंद करने की कोशिश की गई। उस रात इस केस को दबाने के लिए सबूतों का गला घोट दिया गया। एक हत्या जूनियर डॉक्टर की हुई और एक हत्या इस केस की भी कर दी गई। आरजी के अस्पताल के मेडिकल रूम के सेमिनार हॉल में हुई बर्बरता की सारी कहानी बंगाल पुलिस ने अपनी लापरवाही से यह शायद जानबूझकर अपने जूतों के तले रौंद सबूतों के साथ खिलवाड़ किया। आज का सच यही है कि जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिलाना सीबीआई के लिए चुनौती बन चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वो बंगाल पुलिस की लापरवाही और बड़ी साजिश का इशारा कर रही है। सीबीआई बता रही है कि बंगाल पुलिस ने क्राइम सीन को पूरी तरीके से खराब कर दिया जिससे ज्यादा सबूत मिल नहीं पाए बल्कि ज्यादातर सबूत खत्म हो गए, खराब हो गए। केस से जुड़े सबूतों को या तो छिपा दिया गया या फिर उन्हें खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। हत्या के इस केस को आत्महत्या शुरुआत में बनाया गया इसलिए सबूत नजरअंदाज किए गए। हत्या को आत्महत्या बताया जाने लगा और उसकी वजह से एफएसएल की टीम ने आत्महत्या को ही ध्यान में रखते हुए सबूत वहां से उठाए थे। पीड़िता का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया गया जिससे सीबीआई को पुलिस द्वारा करवाए गए पोस्टमार्टम और केस डायरी की जानकारी को आधार मानना पड़ेगा और उसी आधार पर जांच होगी। लेकिन बंगाल पुलिस के द्वारा की गई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को मानना भी एकमात्र विकल्प ही सीबीआई के पास है। तो सीबीआई इस केस में उलझ चुकी है और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इस केस में बंगाल पुलिस ने एक ऐसा रायता फैला दिया कि सीबीआई कुछ भी मजबूत, कुछ भी ठोस नहीं कर पा रही। घटनास्थल को अस्पताल प्रशासन और बंगाल पुलिस ने कंपनी गार्डन बनाया था, लोग आसानी से आ जा रहे थे, इसी की वजह से अहम सबूत नष्ट हुए। अब यह साजिशन किया गया है या भूलवश ये कह पाना मुश्किल है लेकिन अपने विवेक से आप समझ जरूर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस प्रकार की बातें आई हैं सीबीआई जांच से वो बड़ी गंभीर है, चिंताजनक है, क्योंकि सीबीआई ने तो यहां तक बता दिया है कि जो वहां घटनास्थल है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, इसका मतलब सबूत जो है नष्ट हुए होंगे। पुलिस ने ऐसा होने क्यों दिया? ये बड़े गंभीर सवाल उठाता है कि कौन सी मंशा से वहां पर काम हो रहा था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक कवर अप किया। जज को कहना पड़ा कि 30 वर्षों में उन्होंने इस प्रकार का डिस्क्रिपेंसी और लैप्सेस नहीं देखा है। 18 घंटे FIR दर्ज कराने में, FIR भी पेरेंट्स के द्वारा दर्ज कराई गई। ऑटोप्सी के बाद, पोस्टमार्टम के बाद UD केस फाइल किया गया। केस पेपर्स में भी और केस डायरी में भी किस प्रकार से कोई ना कोई छेड़खानी की गई है ये भी तथ्य सामने आया। इस वक्त पूरा देश पश्चिम बंगाल के निर्भय को इंसाफ दिलाने के लिए एकमत है। बंगाल पुलिस पर देश को कतई भरोसा, बिल्कुल भरोसा नहीं। बंगाल सरकार पर राज्य के लोगों को संदेह हो रहा है और पूरे देश को अब केवल सीबीआई से और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। इस केस में अभी तक हमने कई तरह के खुलासे किए। डीएनए में हमने आपको अस्पताल में चल रही धांधली के बारे में बताया लेकिन आज डीएनए में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आरजीकल मेडिकल कॉलेज की पीड़िता के माता से, उनके पिता से। हमारे साथ हुई बातचीत में पीड़िता के माता पिता ने बंगाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने शक जताया कि उनकी बेटी के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी एक नहीं है बल्कि उस आरोपी के कुछ करीबी भी शामिल हो सकते हैं। आप खुद सर क्या सोच रहे हैं आप? जस्टिस मिल रहा है आपको? जस्टिस मिलने की उम्मीद है या जस्टिस के रास्ते पे है? जो सीबीआई का जो जिसका हमको जो आ रहा है बोलता है मिलेगा मिलेगा, हम लोग देख रहा है पूरा, हमारा जो प्रायोरिटी है प्रायोरिटी देके ही कोशिश कर रहा है, आपको जस्टिस मिलेगा, वही आशा पर अभी जिंदा है। और क्या करे, किसी के ऊपर तो हमको भरोसा रखना ही पड़ेगा। कोर्ट भी उसका
आंखें इसको इस पर जमाई रखे है, इसके लिए हमको थोड़ा अस्वस्थ हो रहा है, कुछ ना कुछ मिलेगा। सर कल ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी आया था जो ईडी का जो केस है वो इतने देर में क्यों उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब लॉज हुआ वो केस, और ये कहीं से ये भी बोला जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से वो केस करने के लिए कोई नहीं, ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। इसके बारे में हम लोग से कोई बात ही, किसी से बात ही नहीं हुआ। हम बार बार, हम और दोनों बार बार लड़की को देखने के लिए बोल, दिखाने के लिए बोल रहा था, लोग तो हम उसके पास जाने नहीं दे रहा था, और वो अंदर में ले गया। फिर जो सीपी है उसमें बोलता है आपका दीदी ने फ़ोन किया है, थोड़ा बात कर लीजिए। वो 10 मिनट चला गया उधर, फिर उठा बिठा के रखा, फिर इधर उधर करके और भी 10-15 मिनट पर बाद उसको देखने के लिए ले गया। आपका क्या मानना है कि ये घटना, जैसे कि एक आदमी जिसको अरेस्ट किया गया है? नहीं, ये तो कोई कभी संभव नहीं है। जो लड़का लड़की डॉक्टर बनते हैं ना, उसको एक साल फॉरेंसिक मेडिसिन भी पढ़ना होता है। वो लोग जानता है क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हम तो पूरा विश्वास है कि जो अंदर में जो आदमी, जो सब लड़का लड़की है और जो डिपार्टमेंट है वो सब जानता है। उसको पकड़ने से पूरा विश्वास सामने आ जाएगा। तो बंगाल पुलिस ने इस केस में जो गुल खिलाया उसके बाद सीबीआई के पास संदिग्धों के पॉलीग्राफ टेस्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और इसलिए सीबीआई 4 संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है। ये वही 4 संदिग्ध हैं जिनका जिक्र पीड़िता के मां बाप भी कर रहे हैं। सीबीआई को आरजीके मेडिकल कॉलेज के 4 कर्मचारियों पर शक है। ये लोग इस केस से जुड़े 4 नए किरदार हैं। इसमें 2 लोग हैं फर्स्ट ईयर पीजीटी के डॉक्टर्स। वारदात स्थल पर सीबीआई को 2 डॉक्टर्स के फिंगरप्रिंट मिले थे, एक हाउस स्टाफ है। सीसीटीवी फुटेज में यह हाउस स्टाफ पहली मंजिल की इमरजेंसी से तीसरी मंजिल पर जाता हुआ देखा गया था, और एक है इंटर्न। सीबीआई के अनुसार यह इंटर्न तीसरी मंजिल पर था और इसने पीड़िता से बातचीत भी की थी। अब सवाल है कि इन 4 का पॉलीग्राफ टेस्ट करके सीबीआई जानना क्या चाहती है, क्या सवाल है? क्योंकि सीबीआई के मुताबिक वारदात के दिन पीड़िता और फर्स्ट ईयर के दोनों डॉक्टर्स ने रात 12 बजे डिनर किया, उसके बाद सेमिनार रूम में ओलंपिक देखा। सेमिनार रूम के सामने डॉक्टर्स के आराम करने वाला रूम है जिसे स्लीप रूम कहा जाता है। दोनों फर्स्ट ईयर छात्र स्लीप रूम में गए और पीड़िता सेमिनार रूम में रही। अस्पताल के हाउस स्टाफ ने करीब 2:45 यानी रात तकरीबन 2:45 तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही, जबकि इंटर्न के मुताबिक वो इंटर्न रूम में था। सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम, तीनों कमरे तीसरी मंजिल पर हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सीबीआई कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और इनके बयानों को वेरीफाई करना चाहती है। सीबीआई ने 4 संदिग्धों के बयानों में विरोधाभास पाया और इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई। Zee News.